बेटे से मिलकर फूट फूट कर रोई शबनम। बोली, तुम मेरी परछाई से भी दूर रहना। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम नेक इंसान बनना। ये वही शबनम है जिसने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने ही परिवार के 7 सदस्यों को 2008 में मौत के घाट उतार दिया था। कानून ने उसके किए अपराध पर फांसी की सजा मुकर्रर की थी। हालांकि उसने राष्ट्रपति को दया याचिका भी भेजी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने उसके जघन्य अपराध को देखते हुए उसकी दया याचिका खारिज कर दी। अपराध बड़ा हो या छोटा, अपराध ही होता है, लेकिन ना समझ इसको समझना ही नहीं चाहते। जब वे अपराध की दलदल में फंस जाते हैं और कानून के शिकंजे में फंस जाते हैं, तो उन्हें अपने किए पर पछतावा होता है। गुनाह तो शबनम ने किया है, लेकिन भला उसका बेटा किस गुनाह की सजा भुगतता रहेगा। सिटी न्यूज़, बरेली।